पद्मावत की रिलीज डेट आई सामने, घबराए अक्षय कुमार। खत्म हुआ इंतजार क्योंकि दीपिका, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टार मोस्ट अवेटेड फिल्म पद्मावत की रिलीज डेट सामने आ गई है। पहले ये फिल्म पद्मावती के नाम से 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन करणी सेना जैसे कई राजनीतिक दलों के प्रोटेस्ट के बाद इस फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई थी। अब इस फिल्म की नई डेट का ऐलान किया गया है। उन्होंने ट्विटर कर यह जानकारी दी है कि फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होगी। बता दें, अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन 26 जनवरी को रिलीज होने वाली है। अक्षय ने ही खुद कहा कि उनकी फिल्म की डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इससे साथ है रिपब्लिक डे के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर 3 फिल्मों की टक्कर देखने को मिलेगी। पद्मावत, पैडमैन और अय्यारी के बीच संजय लीला भंसाली के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर दिसंबर में फिल्म को रिलीज करते तो उनका सामना किसी मेगा स्टार से नहीं होता। अब अक्षय की फिल्म के साथ उनको फिल्म की स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी और जाहिर है फिल्म की कमाई भी। वहीं नीरज पांडे की फिल्म अय्यारी भी सेना के ऊपर बनी हुई है और 26 जनवरी को रिलीज हो रही है, और इस सब से इस फिल्म को भी पूरा फायदा मिलने की उम्मीद है। ये थी एसएन न्यूज़ की रिपोर्ट।